जो आज का अपना टॉपिक है नेक्स्ट, वो है डक्ट प्रोपोगेशन। केवल 3 दिन की बात है, उसमें मैं तुम्हारा ये माइक्रोवेव खत्म कर दूंगा, फिर 1 मार्च से जो है तुम्हारा सॉलिड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कल कर लिया था, और इसके बाद देखो जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के, दैट इज डक्ट प्रोपोगेशन। होता क्या है ये देख लो फटाफट से ना, डक्ट प्रोपोगेशन में क्या क्या पढ़ते हैं मान लो। एक्चुअली में वी नो दैट वेव इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, वेव इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम नाइदर रिफ्लेक्ट नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर प्रोपगेट नॉर प्रोपगेट नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर प्रोपगेट अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ बट दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, बट दे आर रिफ्लेक्टेड, बट दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रांस फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर, मतलब वातावरण में जो ऊपर का एक ओजोन परत के आसपास का लेयर होता है उसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर से वो ओजोन परत के आसपास रिफ्लेक्ट होती है, ट्रोपोस्फेयर। इवन बियॉन्ड, इवन बियॉन्ड एलओएस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इवन बियॉन्ड एलओएस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पांच नंबर का सवाल आया था ये तुम्हारे एग्जाम में कि डक्ट प्रोपोगेशन के बारे में कुछ नोट्स लिखने हैं तुम्हें, तो ये कुछ नोट्स हैं जो 5 नंबर के लिए सुटेबल है, ठीक है ना। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स स्लाइटली ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी एंड दिस डिक्रीज टू यूनिटी एंड दिस डिक्रीज टू यूनिटी, ये यूनिटी का डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस डिक्रीज टू यूनिटी एट ग्रेटर देन हाइट, एट ग्रेटर हाइट मतलब ऊपर जाओगे तो हाइट के बढ़ने से ये यूनिटी की ओर आता जाएगा, नीचे रहोगे तो ये यूनिटी से कम होता है, अदरवाइज ऊपर जाते तो यूनिटी बढ़ जाती है। स्लाइटली ग्रेटर यूनिटी एट ग्रेटर हाइट, एट ग्रेटर हाइट्स वेयर द एयर डेंसिटी बिकम्स जीरो, जहां पर ऊपर जाओगे तो वहां एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब वायुमंडल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां वायुमंडल खत्म हो जाएगा वहां पर जाते जाते डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ना वो यूनिटी के बराबर होता जाएगा, ठीक है। वेयर द एयर डेंसिटी बिकम्स जीरो, वेयर द एयर डेंसिटी
बिकम्स जीरो। तो ऊपर जाते जाओगे तो वैसे भी एयर डेंसिटी कम हो जाएगी। सो इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इन स्टैंडर्ड एटमोसफेयर द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिक्रीज यूनिफॉर्मली डिक्रीज यूनिफॉर्मली। ऊपर देख ही लिया आपने किस प्रकार से डिक्रीज होगा, वो पहले तो यूनिट से ज्यादा होता है, नीचे आते आते यूनिट से कम हो जाएगा। सो डिक्रीज यूनिफॉर्मली विद हाइट, तो हाइट के बढ़ने के साथ साथ जो है वो कम होता जाएगा विद हाइट, एंड बिकम्स यूनिटी। ये तो मैंने लिखा ही दिया, तो मैं फिर क्या करना, लिख के ये लाइन तो हम लिख चुके हैं ऊपर, एंड चलो फिर भी लिख लो दोबारा, एंड बिकम्स यूनिटी वेयर एयर डेंसिटी इज असेंशियली जीरो, वेयर एयर डेंसिटी इज असेंशियली जीरो। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन, फॉर scattering refraction and reflection, since air frequently present air frequently present, so standard atmosphere, so standard मतलब कि जो पूरा जिसमें आप हवा ही बिल्कुल ना हो, एकदम जैसे आप अंतरिक्ष में उड़ते हो ना, वो है standard atmosphere। तो standard atmosphere जो है वहां पर हम देखें तो वैसे भी air जो होती है ना वहां पर exist नहीं करती। So air frequently present, so standard atmosphere will not exist, frequently present होने से standard atmosphere present नहीं रह सकता, will not exist लिखो, तो ये exist नहीं कर सकता, and under certain condition, and under certain condition और कुछ परिस्थिति में it give rise to super reflection, it give rise to super refraction, super refraction। एक्चुअली में इसका उदाहरण इंद्रधनुष, रेनबो में ऐसा होता है जब एकदम परफेक्ट अपवर्तन,
रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो एक कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर माइक्रोवेव का एक बहुत तेजी से रिफ्रैक्शन करता है, जिसे बोलते हैं सुपर रिफ्रैक्शन, और इसी परिस्थिति को बोलते हैं डक्ट प्रोपगेशन। तो तुम्हारे एग्जाम में याद है डक्ट प्रोपगेशन क्या होता है? तो यही होता है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की वजह से माइक्रोवेव का सुपर रिफ्रैक्शन जो है वो डक्ट प्रोपगेशन कहलाता है, पर ये कुछ परिस्थिति में होता है। सो दैट इज कॉल्ड डक्ट प्रोपगेशन। लिख लो यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डक्ट प्रोपगेशन, दैट इज कॉल्ड डक्ट प्रोपगेशन। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डक्ट प्रोपगेशन, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डक्ट प्रोपगेशन डक्ट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन, इज टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इस वजह से ये होता है डक्ट। इफ वी डिफाइन मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इफ वी डिफाइन मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ यू डिफाइन मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैपिटल एन दैट रिप्लेस एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट रिप्लेस एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्लेस कर सकती है वो होती है म्यू। उसका एक फॉर्मूला होता है, सो इज गिवन बाय तो वो इस तरह से दी जा सकती है, दैट इज एन इज इक्वल टू म्यू प्लस एच अपॉन आर। ये जो एच लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एच लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है एच अपॉन आर। यहाँ पर हियर एच इज कॉल्ड हाइट अबाउट ग्राउंड, हाइट अबाउट ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर है वो, तो हाइट अबाउट ग्राउंड। आर कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ, म्यू कहलाता है एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो म्यू इज सिंपली कॉल्ड एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एन कॉल्ड मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स ऑल, खत्म काम। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्ट प्रोपगेशन का जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे 5 नंबर में आता है बेटा, 5 नंबर में आता है। तो आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इन चीजों के लिए, कि कैसे कैसे ये जो है यूजफुल होता है, कैसे कैसे इनमें काम करते हैं हम लोग, ठीक है? सो दैट्स कॉल्ड द 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें कुछ थोड़ा सा और लिख लो, ताकि 5 नंबर ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है? सो फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं, सो फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन
अनादर मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक और हम डिफाइन करते हैं, अनादर मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक और आपके पास में मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है एम इज इक्वल टू, दैट्स कॉल्ड एन माइनस वन मल्टीप्लाई विथ 10^6, ये एक और है तुम्हारे पास। तो एम का वैल्यू आप एन पुट कर सकते हो, दैट इज म्यू प्लस एच अपॉन आर माइनस वन, तो ये एक और मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ चुका है, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, ये सारी बातें वहीं पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास आज का काम, ये एक सवाल मैंने करवा दिया, अब एक सवाल हम लोग अब जो है बाकी बचा हुआ एक सवाल कल करेंगे।